जी क्या नाम है आपका? अजीत कुमार शर्मा। समझ बताया, गौशाला चला रहे हैं। किस तरह की हालत यहाँ गायों की देखने को मिलती है, क्या है, क्या दिक्कतें आती है अभी? देखो, गायों का हाल तो यहाँ पर थोड़ा सही नहीं है। हम लोग तो अपनी गायों को बड़े सुरक्षित ढंग से रखते हैं, क्योंकि तो हर गाय के लिए हम लोगों को खाने पीने का अच्छा बढ़िया ढंग से मिल जाए, इसलिए समझे, सब गायों के लिए अच्छा ढंग से मिल जाए रहने के लिए और खान पीन का बढ़िया हो। बाकी कहते हैं कि लोग आपके एक गौशाला बनवा लो और ये कर लो, उससे कुछ नहीं, खाली है लोगों का अपना कमाने खाने के जरिए बना रखा है लोगों ने। कोई भी सही ढंग से इसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती किसी को भी, ये सही ढंग से फैसिलिटी इसको दे, जिससे ये लोग कुछ उसका ऊपर। अभी मैं गाय के लिए गया था, एक गाय के लिए मेरी परेशानी हुई थी, तो कोई गाय लेने को तैयार नहीं है कोई भी गौशाला वाले यहाँ पर, कि बीमार गाय हम लोग अगर ये कल मर जाएगी तो कहाँ दफनाएँगे इसको। बोले इस बात की वृंदावन प्रॉब्लम है, जिनके पास की बहुत सारी ज़मीनें हैं गौशाला के लिए, उन लोगों के हैं ये हाल है। हमारे यहाँ तो खैर भगवती की कृपा से कोई भी इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन हम लोग तो अपने ऊपर ही डिपेंड हैं। हम लोग कोई सरकार वगैरह से हमारे ऊपर कोई वो नहीं है कि उनको सरकार से कुछ मिलता हो, ये हो, गैया ही हमारी अपना स्वयं खर्चा निकालती है, मंदिर की से ही इसका निकलता है। सरकारें तमाम वादे कर रही हैं, तमाम तरह की नए नए नियम लागू कर रही है गौ रक्षा के लिए और सारी चीज़ों के लिए, क्या कहेंगे उनके लिए? अभी मान लो हमारे पास तो कोई ऐसा आया नहीं है, अब आएगा तो मालूम पड़ेगा कुछ। अच्छा, जो गौशाला में कमियां हैं उनको सुधारने के लिए क्या सरकार से कोई उम्मीद रखते हैं? हाँ देखो, मालूम पड़ेगा, कह तो रहे हैं ये लोग, जब करें तब मालूम पड़ेगा। जैसे पहले से बोल रहे थे किसी ने बोला कि 3600 रुपये प्रति गाय मिलेगी और ये वो, ऐसा अभी तक कोई किसी को कुछ मिला तो है नहीं अभी तक के रिकॉर्ड में। सरकार की तरफ से अभी कोई पहल नहीं, कोई पहल नहीं हुई है अभी तक। सरकार की तरफ से पहल होती तो प्रदेश में कुछ लोगों को और उत्सुकता होती और घर में भी अब बच्चा गैया पालने के लिए आदमी उत्सुक होते। हाँ, जरूरी थोड़ी कि गौशाला के अंदर में ही गाय हों, घर घर में आदमी गाय पालने के लिए उत्सुक होता, उसको पीने के लिए शुद्ध दूध मिलता। आज बाजारों में सिंथेटिक दूध मिल रहे हैं, हैं इंजेक्शन लगे हुए दूध मिल रहे हैं, गाय नहीं दे रही दूध तो जबरदस्ती इंजेक्शन लगा के ले रहे हैं दूध। गौशाला की अगर बात की जाए तो गौशाला के नाम पर लोग करोड़ों अरबों रुपये कमा रहे हैं, उन्हें किस तरह से देखते हैं? उन ये लोग खाली बस इनका मेन कमाई ही है मेन जरिया, और कुछ नहीं है। अगर इनके ऊपर अगर एक जांच बैठाई जाए तो खाली सबरी तब रिपोर्ट है, तब निकल के आएंगी कि क्या है गौशाला के नाम पर। अगर इस पर ध्यान देंगे तो इसमें बहुत कुछ अरबों खरबों रुपए का घोटाला निकल के आएगा गौशालाओं के नाम पर। क्या क्या है लोग वहाँ उसमें अपने इनकम टैक्स बचाने के लिए और उसके लिए दुनिया भर का करते हैं। मेरे पास ही एक सज्जन आए, गाय की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, गाय सूखी हुई है, पतली है, गाय थकी हुई है, तो क्या कहेंगे इस पर? कुछ सुंदरीकरण होना चाहिए। क्या यहाँ गाय के खाने के लिए पर्याप्त भोजन है? भोजन होता है, कभी नहीं होता है। दिक्कत हो रही है अभी, बहुत दिक्कत है। हम ही चोर हैं, हम ही ईमानदार हैं महाराज जी। क्या वजह क्या मानते हैं इसके पीछे? इसके बीच में ये है कि जो करता धरता वो हाथ मार देता है। मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। वो ऐसा जैसे हम हमारी जिम्मेवारी है, वो हमें चोरी कर ले जाती। तो मतलब गाय के जो सामान आता है खाने पीने का उसमें से भी चोरी कर ली जाती है? चोरी हो जाती है। आप देख लो, हम तो दिखा दे, हम कोई लफट्टी बात नहीं करेंगे महाराज। हम रामानंद जी साधु ये दुनिया के। तो कमियां बहुत हैं अभी? बहुत नहीं है महाराज, 30% कमियां हैं।